हेलो गाइस, वंस अगेन आपका स्वागत है अब्रॉड किचन चैनल पे। और आज के इस वीडियोस में मैं आपको बताने वाला हूँ अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज, वो भी ऑस्ट्रेलिया की। अगर आप टारगेट कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया कंट्रीज, अगर आपकी लिस्ट में है ऐसी यूनिवर्सिटीज जहाँ पे आपकी फीस कम टू कम से कम लगे, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। तो इस वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखिए, कुछ भी पॉइंट मिस मत करिए। अगर आपके इंटरेस्ट में कोई भी यूनिवर्सिटीज आती है तो उसको अपनी जरूर शॉर्ट लिस्ट में मेंशन जरूर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। तो स्टार्ट करने से पहले और यूनिवर्सिटीज को बताने से पहले कौन कौन सी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज है, कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं, वो पहले जान लेते क्यों आपको ऑस्ट्रेलिया टारगेट करना चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है वो है लो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन। अब आप बोल रहे हो कि कैसे ऑस्ट्रेलिया लो कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड एजुकेशन है। काफी ज्यादा टर्म्स में आप इसको डीपली देखोगे तो यूके एंड यूएसए से जब आप कंपेयर करोगे कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्यूशन फीस, तो जो ऑस्ट्रेलिया है एक तो वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड ट्यूशन फीस काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू यूके एंड यूएसए। सेकेंड ऑफ थिंग, जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं वहाँ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है एंड ईजिली आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप्स मिल जाती है, जिसकी वजह से आपका जो ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। यहाँ पे लिखा भी है, मैंने लिखा भी होगा एक्सपेंसेज ऑस्ट्रेलिया जो द कॉस्ट ऑफ स्टडिंग इन ऑस्ट्रेलिया एटलीस्ट 40-60% लेसर वेन कंपेयर टू कंट्रीज लाइक यूएसए एंड यूके। सेम जैसा ही मेरा टॉप क्वालिटी यूनिवर्सिटीज है। ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया इज होम 43 यूनिवर्सिटीज, आउट ऑफ विच 40 ऑफ दीज यूनिवर्सिटीज आर ऑस्ट्रेलियन। दी टू आर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज एंड द रिमेनिंग वन इज प्राइवेट। तो ये कुछ है पॉइंट्स। यहाँ पे 43 यूनिवर्सिटीज, जिसमें 40 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज हैं, बाकी की दो है वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज के अंदर आती हैं, एंड जिसमें से वन एक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है। आल्सो 6 ऑफ 43 आर रैंक्ड अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड रैंकिंग। वर्ल्ड रैंकिंग के अंदर 43 में से 6 यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो 100 के अंदर काउंट होती हैं। तो दूसरा रीजन आप इसकी वजह से भी ऑस्ट्रेलिया चूज कर सकते हो। अगर आप प्लान कर रहे हो ऑस्ट्रेलिया के लिए तो क्यों जाना चाहिए। अगर आपकी कोई अदर कंट्रीज भी है, फॉर एग्जांपल यूएसए एंड कनाडा, तो आपको एक बार ये अपनी लिस्ट में भी टारगेट करना चाहिए और रखना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया क्यों। लिंगुअल डाइवर्सिटी, ऐसा क्यों मैंने यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अकेला ऑस्ट्रेलिया में इंग्लिश ही पॉपुलर नहीं है। हाँ, जानता हूँ इंग्लिश ऑस्ट्रेलिया में स्पीकिंग कंट्रीज है, बट इसके अलावा भी ऑलमोस्ट 200 लैंग्वेज बोली जाती हैं ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपकी जो कंफर्टेबल, अगर आपको न्यू लैंग्वेज सीखनी है तो आप ऑस्ट्रेलिया प्रिफर कर सकते हो। एंड लास्ट वन, ऑप्शंस टू वर्क ड्यूरिंग आफ्टर द कोर्स। अगर आप देखोगे इंटरनेशनल स्टूडेंट कैन चूज टू वर्क ड्यूरिंग द कोर्स टेनर एंड आल्सो आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन बाय अपग्रेडिंग द थीसिस वीजा। अगर आप इसके ऊपर भी देखोगे, अगर आप कोर्सेज के साथ साथ यहाँ पे अपना मास्टर एज अ पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो, और जो आपको हॉलीडेज या वैकेशन मिलते हैं उस पर आप फुल टाइम जॉब भी कर सकते हो। इस वजह से यहाँ पे जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है और यहाँ पे ईजिली जॉब मिल जाती है, क्योंकि एक तो इंग्लिश स्पीकिंग की जॉब रहती है तो आप ईजिली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। बट बाकी की जो कंट्रीज रहती हैं, फॉर एग्जाम्पल यूरोप की अपन बात करें, यूरोप में इटली है, जर्मनी है, फिनलैंड, स्वीडन, तो यहाँ पे आपको नेटिव लैंग्वेज आनी चाहिए, देन वो एक प्लस पॉइंट रहता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं वो जॉब की ज्यादा अवेलेबल हो जाती है। अब करते हैं मूव ऑन करते हैं कौन कौन सी अफोर्डेबल यूनिवर्सिटीज हैं। जो सबसे पहली यूनिवर्सिटीज आती है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथर्न क्यूंसलैंड, जो कि आप देखेंगे 1967 में एस्टेब्लिशमेंट है। नंबर ऑफ एल्युमिनाई 101,000 प्लस है, काफ़ी अच्छा। जिसका एलुमिनाई नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो ऑब्वियसली बात है वो तो कोर यूनिवर्सिटीज काफ़ी अच्छी होगी। एलुमिनाई कंट्रीज देंगे 146 कंट्रीज में वर्ल्ड वाइड एलुमिनाई हैं इनके। मेन कैंपस लोकेशंस टूवूम्बा क्यूंसलैंड, जो कि इनका ऑस्ट्रेलिया है, विथ द अदर कैंपस भी हैं ऑस्ट्रेलिया में इसके साथ। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बेनिफिट देंगे, रेगुलर स्टूडेंट्स इवेंट्स होते हैं, स्टूडेंट्स एक्टिविटी, मल्टी फेज सपोर्ट्स हैं, हेल्थ केयर एंड काउंसलिंग, रेसिडेंशियल्स एंड ऑफ कैंपस अकोमोडेशन में भी हेल्प करते हैं क्यूंसलैंड यूनिवर्सिटी। ओके, साउथर्न क्यूंसलैंड यूनिवर्सिटी, ये कुछ प्रोग्राम्स हैं यहाँ पे जिनकी एक मैंने एवरेज फीस लिखी है। अगर आप देखोगे बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन एंड मीडिया के लिए अगर आप प्रिफर करते हो इस यूनिवर्सिटीज में, तो आपको 78,000 अराउंड ऑस्ट्रेलियन यूएसडी आपका लेगा, EUD जिसे बोलते हैं। बैचलर ऑफ फार्मा मेडिसिन के लिए आप जाते हैं तो 30,000 के अराउंड
एंड बैचलर्स ऑफ कम्युनिकेशन मीडिया टेलीविजन एंड रेडियो में अगर आप एक्सटेंडेड करते हो इस कोर्स को 78,000 to 79,000, और ग्रेजुएट डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग साइंस सिविल इंजीनियर के लिए 36,000 एंड डिप्लोमा ऑफ इंजीनियरिंग साइंस के लिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग तो USD 36,000। तो ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, इसके लिए ये नोन भी है और इनकी ये कुछ प्रोग्राम्स हैं जिनकी फीस इतनी नॉमिनल। तो आप इन, अगर आपका इंटरेस्ट है इन कोर्सेज में, तो आप एक बार इस यूनिवर्सिटीज़ को अपनी लिस्ट में जरूर पार्टिसिपेट करिएगा, रखिएगा। देन मूव ऑन करते हैं सेकेंड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ द सनशाइन कोस्ट, जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1994 में एंड 25,000 नंबर देखेंगे एलुमिनाई है। एलुमिनाई प्लेसमेंट ग्लोबल पोजिशंस पे अभी भी वर्क करते हैं इनके एलुमिनाई। देन कैंपस लोकेशंस क्वींसलैंड कैपिटल सिटी, यहाँ पे इनका ऑस्ट्रेलिया में इनका कैंपस है, ब्रिसबेन जिसे बोला जाता है। इंटरनेशनल स्टूडेंट बेनिफिट्स देखेंगे, 5-star क्वालिटी एजुकेशन, टॉप नॉच स्टूडेंट्स एक्सपीरियंस, फ्लेक्सिबल एंड कस्टमाइज डिग्री ऑप्शंस एंड एक्सीलेंट अकेडमिक इंग्लिश असेसमेंट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जिस वजह से आपको, अगर आप जाना चाहते हो तो इंटरनेशनल बेनिफिट्स में आप जाके चेक कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है यूनिवर्सिटीज। एंड इसके अलावा अगर आपका इनमें से किसी एक प्रोग्राम में इंटरेस्ट है तो आप जरूर एक बार इसको भी अपनी लिस्ट में रखिए। जैसे कि बायोमेडिकल साइंस के लिए, बिजनेस के लिए, बैचलर्स 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 के लिए अगर आप देखोगे 76,000 से लेके 66 to 77,000 आपको आराम से यहाँ पे बैचलर्स प्रोग्राम्स करने के लिए मिल जाएगा अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट फील्ड से। ओके, देन मूव ऑन करते हैं एट्स कोवेन यूनिवर्सिटीज, जो कि 1991 में 1,75,000 इनका एलुमिनाई नेटवर्क है। ग्लोबल ग्लोबली कैंपस लोकेशन देखेंगे पर्थ में सिचुएटेड है। देन इंटरनेशनल बेनिफिट, सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मल्टीकल्चरल टॉलरेंस, इनोवेटिव टीचिंग, इंडस्ट्री एक्सपोजर काफ़ी अच्छा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी क्योंकि लोकेशंस वाइज काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज है। ये कुछ पॉकेट फ्रेंडली प्रोग्राम्स हैं। अगर आप देख रहे हैं तो इसमें बैचलर प्लस मास्टर का भी एक प्रोग्राम है, मास्टर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर आप साइबर सिक्योरिटी के लिए प्लान करें और इंटरेस्टेड हो, 34,000 आपका जाएगा, जो कि अप्रॉक्सीमेट ट्यूशन फीस है। अराउंड 30,000 से लेके 34,000-35,000 तक के यहाँ पे आपको कोर्स मिल जाएंगे बैचलर्स एंड मास्टर में। इसके अलावा भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं, बट आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है कि उनकी फीस कितनी है। यहाँ पे सिर्फ मैंने वही कोर्सेज लिखे हैं और उनकी फीस लिखी है, जो कि एक नॉमिनल है, आप ईजिली चीपेस्ट अफोर्डेबल में उसको काउंट कर सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो उन कोर्सेज के लिए। देन चार्ल्स रॉबिन यूनिवर्सिटीज है, एस्टेब्लिशमेंट 2003 थ्रू मर्जर ऑफ मेंसेस स्कूल्स ऑफ हेल्थ एंड रिसर्च, नॉर्थन टेरिटरी यूनिवर्सिटी एंड सेंट्रलाइज्ड कॉलेज। देन नंबर ऑफ एलुमनाई अप्रॉक्सीमेटली एज ऑफ 2020 to 70,000। एलुमनाई नेटवर्क 140+ कंट्रीज में है इनका भी। कैंपस लोकेशन डार्विन में है ऑस्ट्रेलिया में। इंटरनेशनल स्टूडेंट बेनिफिट्स क्या है, इनोवेटिव स्टडी कल्चर, अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर टैलेंट एंड पैशंस, वेल राउंडेड एजुकेशन सिस्टम है। देन बियॉन्ड द क्लासरूम इनका जो एक्सपोजर है वो भी एक प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटीज के लिए। देन इसके भी कुछ मैंने प्रोग्राम्स यहाँ पे मेंशन किए, ऑनर्स के साथ जो मैकेनिकल्स एंड देन इलेक्ट्रिकल सेम प्लस ऑनर्स के साथ सिविल एंड स्ट्रक्चर, जिसका फीस अराउंड 33,000 के अराउंड आपको मिलेगा, 33,000 to 34,000। बाकी के बैचलर्स प्रोग्राम्स हैं एंड मास्टर्स प्रोग्राम है, ये डुअल प्रोग्राम है जिसका कॉस्ट ऑलमोस्ट 30,000। बाकी ये कंप्यूटर साइंस एंड डिजिटल एंटरप्राइजेस के लिए आपका 26,000 to 29,000 के अराउंड आपका फीस हो इसका है। देन नेक्स्ट यूनिवर्सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया कैथोलिक यूनिवर्सिटीज, जिसका एस्टेब्लिशमेंट आप देखोगे 1991, नंबर ऑफ एलुमनाई 1,25,000 एज ऑफ 2022। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के 2023 के मेंशन थे तो मैंने वहाँ पे 2023 के मेंशन किए, बट अभी एस सच ऑफ इन्होंने अभी कुछ रिलीज़ नहीं किया डेटा, तो इस वजह से 2022 का डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। कैंपस लोकेशन देखेंगे सिडनी में। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट बेनिफिट, रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस अट्रैक्टिव टू एम्प्लॉयर्स। आई नो सिडनी काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव सिटी है, जिस वजह से यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं और जॉब के लिए जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो इस सिटीज़ को ज़रूर टारगेट करते हैं, लिबरल एक्सपीरियंस एंड मेनी मोर। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स बेनिफिट्स सेम इनोवेटिव, यही सारी चीज़ें हैं जो अभी मैंने मेंशन की आपको। देन यहाँ पे कुछ मैंने प्रोग्राम्स लिखे हैं जिनकी यूनिवर्सिटीज़ की फीस आप देखोगे 24,000 से स्टार्ट होकर 30,000 के अराउंड जाएगी, जिसमें आपके बैचलर्स हैं हाई परफॉर्मेंस सपोर्ट स्पोर्ट्स में, एजुकेशनल स्टडीज़ में, बायोमेडिकल्स, BBAs के लिए आप देख रहे हो उस यूनिवर्सिटीज़ को, तो जिसकी अराउंड 30,000 आपको ऑस्ट्रेलियन डॉलर में आपको फीस रहेगी इसकी। देन बायोमेडिकल के अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में भी ऑलमोस्ट 30,000 है, तो ये की प्लस पॉइंट है जिसके लिए आप
यहाँ पे टारगेट करते हो, अगर आप मैनेजमेंट फील्ड से फाइनेंस से अगर आप रिलेटेड कोर्सेज सर्च करें तो एक बार इस यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट आप मतलब एक बार शॉर्टलिस्ट जरूर करिए एंड रिसर्च जरूर करिए किस प्रोग्राम में उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है क्या रिक्वायरमेंट नहीं है। ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट देखें नेक्स्ट का चार्ल्स स्ट्रुट यूनिवर्सिटीज का 1989 का है, 215,000 प्लस इनका ओवरऑल नंबर ऑफ एलुमनाई है, एलुमनाई नेटवर्क ग्लोबली, कैंपस लोकेशन सिडनी एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट बेनिफिट, फ्री लाइफ टाइम मेंबरशिप्स है जो कि एक प्लस पॉइंट है यूनिवर्सिटीज का, इन द फॉर लाइब्रेरी का फ्री डिस्काउंट, स्टूडेंट्स हेल्थ एंड वेलफेयर सपोर्ट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। देन ये कुछ प्रोग्राम्स हैं, बैचलर्स के प्रोग्राम ज़्यादा हैं यहाँ पे जिसका फीस काफ़ी ज़्यादा कम होता है, मास्टर्स के लिए भी प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं बट एक बार आपको क्रॉस वेरीफाई करनी है उनकी फीस अराउंड कितनी है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप देख रहे हो तो 30,000 का फीस जाएगा, एनिमल साइंस 30, BBS के लिए देखोगे तो 28,000 और बैचलर ऑफ कम्युनिकेशन जिसका रहेगा 23,000 के अराउंड एंड बैचलर ऑफ डेंटल एंड बाकी का साइंस के लिए तो 60,000 अराउंड या 61,000 आप जिस बोलते डेंटल के लिए, और बैचलर ऑफ इक्वाइन साइंस के लिए आप देखोगे 30,000 आपका अराउंड फीस स्ट्रक्चर है। देन वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज़ का देखते हैं कितना है, वेस्टर्न यूनिवर्सिटी सिडनी ये भी सिडनी में लोकेशन लोकेटेड है जिसका एलुमनाई नेटवर्क अप्रॉक्सीमेटली 200,000 है एज ऑफ 2022, एस्टेब्लिशमेंट 1989 का है। देन इंटरनेशनल स्टूडेंट बेनिफिट में भी सेम रहेगा, डिस्काउंट्स रहेंगे आपके लाइब्रेरी है, फ्री एक्सेस लाइब्रेरी है, करियर सर्विस असिस्टेंट्स है एंड अदर रिसोर्सेज भी ये आपको हेल्पफुल अवेलेबल कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जॉब प्लेसमेंट्स के टाइम पे एंड ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में भी और आपके थीसिस में भी आपकी पूरी हेल्प या गाइडेंस आपको मिलेगी इसी में। देन कुछ ये प्रोग्राम्स हैं बैचलर्स के प्रोग्राम्स, अगर आप चाहो तो एक बार देख सकते हो अगर आप इंटरेस्टेड हो बैचलर्स के प्रोग्राम में। एंड देन इनकी अप्रॉक्सीमेटली फीस है जो कि स्टार्टिंग 25,000 के अराउंड से लेके 35,000 आप देख सकते हो इनका बैचलर्स प्रोग्राम रहेगा। ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं और उनके प्रोग्राम हैं जिनमें मैंने आपको प्रोग्राम्स बता दिए, उनकी फीस बता दी कितनी क्या एवरेज ऑन फीस रहेगी। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्ली आपने चेक किया हो यहाँ पे सिर्फ बैचलर्स प्रोग्राम की फीस मैंने मेंशन की है, मास्टर्स की फीस मैंने मेंशन नहीं की है। क्यों? जो मास्टर्स प्रोग्राम्स हैं उनकी उनकी फीस थोड़ी सी हाई है, इस वजह से मैंने मेंशन नहीं की। और इस वीडियो में पूरा कवर करना बैचलर्स एंड मास्टर प्रोग्राम को वो ईजी नहीं है, तो अगर आप चाहते हैं मास्टर्स प्रोग्राम के लिए स्पेसिफिक वीडियो बनाना है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी आपको स्पेसिफिक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। देन इसके अलावा और कोई डाउट है वीडियो से रिलेटेड तो आप तब भी आप मुझसे पूछ सकते हो एंड लाइक शेयर करना कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।